इकाई एक, गणित का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स। बच्चों, जो गणित आप अपनी किताबों में पढ़ते हैं और जिस गणित का आप रोज अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, कभी आपने सोचा है कि इस गणित की शुरुआत कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, इसका इतिहास क्या है, ये कभी आपने जानने की कोशिश की? आज हम आपको गणित के इतिहास की तरफ ले चलते हैं, दुनिया के उन हिस्सों में लेके चलते हैं, उस समय में लेके चलते हैं जहाँ से गणित की शुरुआत हुई ऐसा माना जाता है। जिन चीज़ों के आधार पर हम इतिहास का निर्धारण करते हैं उनमें कुछ लिखित दस्तावेज हो सकते हैं। इन लिखित दस्तावेजों के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें इतिहास की तरफ ले जाती हैं, इतिहास के बारे में बताती हैं। अब तक ज्ञात जितनी भी लिखित चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं उसके पहले और उसके बहुत पहले की भी कुछ चीज़ें हमारे सामने हैं। ये कुछ चिन्ह हैं, संकेत हैं, चित्र हैं जो हमें दुनिया के अलग अलग हिस्सों से मिले हैं। सबसे पहला उदाहरण मैं आपके सामने दक्षिण अफ्रीका का रखना चाहूँगा। दक्षिण अफ्रीका जो दुनिया के महाद्वीपों में से एक बड़ा महाद्वीप के रूप में पहचाना जाता है, इस महाद्वीप की कुछ गुफाओं में जीवाश्म वैज्ञानियों ने कुछ खोजें की। उन्होंने कुछ चट्टानें ढूंढी। इन चट्टानों को हम ओकरे रॉक्स के रूप में जानते हैं। यहाँ पर ज्यामितीय आकृतियों का एक पैटर्न उन्हें दिखाई पड़ा। ये शायद दुनिया के सबसे पुराने अभिलेखों के रूप में जाना जाता है या ऐसे चिन्हों या संकेतों के रूप में जाना जाता है जो गणित के प्रारंभिक ज्ञान के बारे में बताते हैं और ये भी बताते हैं कि जब हमने लिखना शुरू किया उसके पहले से ही लोगों ने गणित के मूल ज्ञान को समझना शुरू कर दिया था। दूसरा महत्वपूर्ण उदाहरण कांगो में नील नदी के किनारे मिली हुई अस्थि है जिसे इशांगो बोन के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में धारणा है कि यह अभाज्य संख्याओं की श्रृंखला का सबसे पुराना और ज्ञात प्रदर्शन है। अभाज्य संख्याएं आप जानते हैं ऐसी संख्याएं जो खुद से और एक से विभाजित होती हैं। तो उस समय लोगों ने इन अभाज्य संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी और उसका उन्होंने इसमें प्रदर्शन किया था। ये माना जाता है कि यह इशांगो अस्थि आज से लगभग 20,000 साल पुरानी है। गणित के इतिहास की यात्रा में हम थोड़ा आगे आते हैं, ईसा के लगभग 5,000 साल पहले। उस समय इजिप्ट में गणित पे बहुत काम हो रहा था। इजिप्ट का नाम आते ही वहाँ के पिरामिड हमारे सामने आते हैं। ये पिरामिड कला और इंजीनियरिंग के अद्भुत नमूने के रूप में हमारे सामने है। इसी दरमियान मिस्र के लोगों ने ज्यामिति स्थानिक आकृतियों के बारे में हमें बताया, दुनिया को एक उपहार के रूप में इसे हमारे सामने रखा। हम थोड़ा और आगे आए, ईसा के लगभग 3,000 से लेकर 2,500 साल के पहले। इस दरमियान दो सभ्यताओं का जिक्र आता है, एक तो हिंदुस्तान की सभ्यता और दूसरी सुमेरियन सभ्यता। हिंदुस्तान की सभ्यता में उस समय जो विकास हुआ उसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे बड़ी विशेषताएं थी वो थी वहाँ की रचनाएं। वो सड़कें हो सकती थीं, सड़कों के किनारे बनी हुई नालियाँ हो सकती थीं, बड़े और विशाल स्नानागार हो सकते थे। उन स्नानागारों से पानी के बाहर निकलने और अंदर आने की व्यवस्था हो सकती थी। जो कमरे बने, जो कोठियाँ बनी अनाज की, जो खिलौने और दूसरी जो चीज़ें हमें मिली, वो तमाम चीज़ें हमें बताती हैं कि उस समय के लोगों ने गणित को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया था। गणित और विशेष रूप से ज्यामिति की आकृतियों को उन्हें बहुत अच्छा ज्ञान था और वो उनके आपसी संबंधों को अच्छी तरह समझने लगे थे। यहाँ जो ईंटें बनी, उन ईंटों को आप देखिए तो पता चलता है कि इनकी भुजाओं में एक निश्चित अनुपात है और शायद यही वो वजह थी कि वो इतनी अच्छी रचनाएँ कर पाएँ। उनका निर्माण इतना खूबसूरत और इतना मजबूत और इतना अच्छा हुआ उसके पीछे इन ईंटों के अनुपात का एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। जिस काल में सिंधु घाटी सभ्यता में गणित का विकास हो रहा था, ठीक उसी समय
यानी ईसा से 3000 साल पहले से लेकर 2500 साल पहले की बात है, एक और सभ्यता दुनिया में विकसित हो रही थी गणित को लेकर के। इसे हम सुमेरियन सभ्यता के नाम से जानते हैं। जो सुमेरियन सभ्यता थी उनके बारे में ये मान्यता है कि इन्होंने मापन की एक बहुत ही जटिल प्रणाली का विकास किया था और ये दुनिया को एक बहुत बड़ा उपहार था सुमेरियन सभ्यता का। दुनिया की पुरानी सभ्यताओं में जिनका नाम आता है उन देशों में एक बहुत महत्वपूर्ण देश चीन भी है, चाइना हमारा पड़ोसी देश। आज टेक्नोलॉजी के मामले में जिन्होंने दुनिया में अपनी खास पहचान बना रखी है वो चाइना। आज से हजारों साल पहले चाइना ने अपनी सभ्यता में बहुत सारी चीज़ें और विकसित की थी, विशेष रूप से शांग राजवंश का जो नाम आता है उस समय की कुछ चीज़ें हमें बताती हैं कि उस समय उन लोगों ने संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए अंकों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। और इसका उदाहरण हमें मिलता है कछुए के कवच पर तराशी हुई आकृतियों से। कुछ आकृतियां वहाँ पर कुरेदी गई थी, वो ये मानी जाती हैं कि वो संख्याओं का प्रदर्शन था अंकों के रूप में। अभी तक हमने जिन देशों, सभ्यताओं और संस्कृतियों का उल्लेख किया उनके अलावा भी बहुत सारे देश थे जिन्होंने गणित में अपना योगदान दिया। इनमें मैं कुछ नाम लेना चाहूँगा, जैसे ग्रीक, बेबीलोन, अरब, ये ऐसे नाम हैं जिनका उल्लेख करना ज़रूरी है। इन देशों के लोग दुनिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाया करते थे व्यापार के लिए, सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक बहुत बढ़िया जरिया था। इनके पास जो ज्ञान था उसे वो वहाँ लेकर जाते थे, वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें वो अपने यहाँ लेकर आते थे। और इस तरह ज्ञान के और संस्कृतियों के आदान प्रदान से इंसान ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। आज गणित का जो रूप हम देखते हैं वो दुनिया के अलग अलग देशों की संस्कृतियों और उनके ज्ञान का मिला जुला स्वरूप है। और यही वजह है कि ये एक ऐसा विषय है जो हमें दूसरों से जोड़ता है, पूरी दुनिया को एक सूत्र में बांधता है। अभी तक हमने आपसे जितनी बातें की वो बहुत कम थी, बहुत थोड़ी थी। आपको चाहिए कि आप अपने ज्ञान को और विस्तारित करें, नए नए स्रोतों से जानकारी प्राप्त करें और देखें गणित के विकास की यात्रा कैसी थी। जब आप इसे जान लेंगे तो आपको गणित एक नए रूप में दिखाई पड़ेगा, गणित को देखने का आपका एक नया नज़रिया बनेगा और ये गणित आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा।